अस्सलाम वालेकुम जी। तो जहाँ पे मैंने लास्ट डे का व्लॉग एंड किया था ना सुबह के टाइम से, ये फिर वहीं से मैंने स्टार्ट किया था। अभी दोपहर का टाइम था, मैं नाश्ता करके फ्री हुई थी तो मैं ग्रॉसरी सेट करने लगी थी। मैंने कहा सेट करने से पहले आपको चीज़ें दिखा देती हूँ जो जो मैं लेकर आई थी। एक तो मैंने ये लिया था शेफ़ का ये वॉक जो था, और ये मुझे मिला था 1440 का, ये मुझे मिला था। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि कंपनी का फ़र्क होता है। अगर आप सोनेक्स का लेंगे तो आपको इससे एक्सपेंसिव मिलेगा, प्रेस्टीज का इससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलेगा। लेकिन मुझे शेफ़ का ठीक लग रहा था, क्योंकि जिस पर्पज़ के लिए मैंने लिया ना उसमें मेरा ये हो जाएगा गुजारा, तो फिर मैंने यही ले लिया था। उसके अलावा मैंने बहुत सारे बर्गर बंस लिए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पैटी बर्गर बहुत पसंद है तो उनके लिए मैंने बनाने थे, तो फिर मैंने वो ले लिए। पीटा ब्रेड ली, और मैं इस दफ़ा डॉन के तो हम खाते ही रहते हैं लेकिन मैंने कभी बेक पार्लर के ट्राई नहीं किए थे बर्गर बंस, तो वो मैं लेकर आई थी। देखूंगी दोनों में किसके अच्छे हैं। अगर आपको कोई और भी ज़्यादा अच्छा पता हो बर्गर बंस यहाँ पर कराची में तो मुझे बताइएगा, मैं वो भी ट्राई कर लूँगी। फिर ये डेलीजिया के बर्गर स्लाइसिस लिए थे मैंने। ये डेलीजिया के मैंने पहली दफ़ा लिए बर्गर स्लाइसिस, मुझे थोड़े डिफरेंट लग रहे थे और मैंने कहा चलो ले लेते हैं, ट्राई करेंगे। इसके प्राइस मुझे नहीं याद कि कितने प्राइस थे डेलीजिया के बर्गर स्लाइसिस के। वैसे भी ये चीज़ वैसे भी महंगी होती है, क्योंकि अब तो चीज़ के रेट वैसे ही बहुत ज़्यादा है ना, लेकिन होगी 500-400 समथिंग इसी तरह भी प्राइस होंगे, लेकिन मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। अच्छा, इधर से मैंने ना फैंसी टाइप की चीज़ें ली थी, क्योंकि बाकी बेसिक ग्रॉसरी जो थी दालें आटा वो मेरे हस्बैंड ऑलरेडी ले आए थे जहाँ से उन्होंने लेनी थी। तो कुछ चीज़ें जो मुझे चाहिए थी फैंसी आइटम, जैसे मैं डिफरेंट चीज़ें बनाती रहती हूँ, तो वो फिर मैंने यहाँ से ली थी। तो एक ही ओरिगानो लिया था, एडम्स के दो बटर लिए थे, एक तो मेरी मियाँ ने सुबह नाश्ते में खोल लिया था तो एक था वही मैंने आपको दिखा दिया। ये अजवा खजूरें ली थी हमने इम्तियाज़ से, और ये एक पाव खजूर हमें 950 रुपये की मिली हैं। अब मुझे बताइए अजवा है या नहीं, लेकिन वो कह रहे थे अजवा है। अब टेस्ट करके देखेंगे वैसी है या नहीं, होंगी अजवा जब इतनी महंगी दे रहे हैं तो अब उन्होंने चिटिंग तो हमारे साथ करनी नहीं है। और ये हैंड वॉश लिया था ऑइसिस का मैंने, ये शशके जो है ना मेरे मियाँ के हैं, मैं तो खैर साबुन से भी हाथ धो लेती हूँ लेकिन उन्हें हैंड वॉश चाहिए होता है, तो फिर उनके लिए मैंने लिया था ये। अच्छा, ये फिर पोनम के मैंने सुप्रीम बासमती राइस लिए थे, ये मैं फ़िलहाल अभी 2 kg लाई हूँ, क्योंकि मैंने कहा मैं इसे पहले ट्राई करती हूँ। और ये पैकेट जो है वो मुझे 305 रुपये का मिला है, और 305 रुपये पर kg था ये, और मुझे सस्ता लगा क्योंकि पंजाब में भी हम जो राइस लेते हैं वो 340 या 350 पर kg हो, तो इधर भी जो राइस आ रहे थे वो भी 370 kg इस तरह से थे, तो 305 तो मुझे अच्छे लगे। अगर ये अच्छी क्वालिटी के निकलते हैं तो काफ़ी रिजनेबल थे। लेकिन अगर आप में से किसी ने ट्राई की हो ना तो मुझे ज़रूर बताना ये कैसे हैं, मैं भी ट्राई करके देखूँगी। इससे अभी मैं कम लाई, अगर मुझे अच्छे लगे तो फिर मैं और ज़्यादा ले आऊँगी। वैसे भी हम घर में 3 बंदे हैं, 2 किलो राइस भी हमें बहुत है। फिर उसके अलावा जो है ये मैंने एक एयर फ्रेशनर लिया था, ये तो मैं जब भी जाती हूँ लेकर, क्योंकि मैं एयर फ्रेशनर की दुश्मन हूँ, मैं हर वक्त करती रहती हूँ घर के अंदर ना। एक ये हेयर कॉम लिया था, और फिर ये ब्रश वगैरह और लिक्विड मैक्स वगैरह वो लिए थे। अच्छा, मैंने उठा लिया था मैक्स, मुझे दूसरी कोई कंपनी दिख नहीं रही थी, बस जो सामने आया फिर मैंने उठा लिया वो वाला ना। वरना मेरी ट्राई होती है जितनी हम प्रोडक्ट्स को बायकॉट कर सके उतना कर दे, लेकिन बस अब ये आ गई थी तो खैर कोई नहीं। ये मैंने कुछ एयर टाइट जार लिए थे वो निम्को और बाकरखानी वगैरह रखने के लिए, और ये स्कॉच ब्राइट वगैरह टूथब्रश वगैरह जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो ले ली थी। उसके अलावा जो है इसमें क्या था, ये टिश्यू सबसे ज़्यादा मेरे मियाँ यूज़ करते हैं, अगर कोई देख लेना वो कहेंगे पता नहीं क्या है, जितने टिश्यू वो यूज़ करते हैं मुझे लगता है दुनिया में कोई यूज़ नहीं करता होगा इतने टिश्यू ना। टिश्यू के तो दुश्मन कहती हूँ मैं अपने मियाँ को, जितने वो यूज़ करते हैं ना तौबा है बहुत ही ज़्यादा। ये फिर मैंने छोटे मिनी टिश्यूज़ लिए थे तो पर्स वगैरह में रखने के लिए, इसलिए आपको कुछ ज़्यादा ही टिश्यू दिख रहे होंगे। और ये फिर मैंने एक बाउल लिया था, मुझे अच्छा लगा था, आई थिंक ये 150 रुपीज़ था, इसी तरह का कुछ प्राइस थे। एक ये किचन के लिए मैंने ये लिया था, क्या कहते हैं इसे, मैं इसका नाम नहीं आ रहा है, तो वाइपर ही लेकिन किचन काउंटर के लिए मैंने लिया था जहाँ पे पानी जमा हो जाता है ना, समझ गए होंगे मेरे से ज़्यादा सुघड़ लोग रहते हैं यहाँ पे जो वीडियो देख रहे हैं। और ये इतने चुनने से शॉपर में उन्होंने नाइफ रख के दी थी, अच्छे इम्तियाज़ पे बड़ी प्राइस थे नाइफ़ के भाई, 400, 500, 600, मैं सोची थी ये नाइफ़ है क्या है, शायद हम लोकल शॉप से लेते हैं ना हाथ से तो 100-200 की मिल जाती इतनी अच्छी, फिर मैं तो उसके प्राइस देखती रही। फिर मैंने ना जिसके प्राइस सबसे कम थे ना ये 180 या 200 रुपये की नाइफ़ थी, फिर मैंने ये वाली नाइफ़ ली है, लेकिन ये नाइफ़ बहुत अच्छी थी।
वो तो इंसान देखता रहता है यार किसके प्राइस कम है, फिर एंड में उठाएगा वही चीज। बस ये कुछ खाने पीने का सामान था जो हमने अपने लिए लिया था। ये वर्स्टरशायर सॉस थी जो मैं शंग्रीला की यूज करती हूँ। बारबेक्यू सॉस भी मैं शंग्रीला या की किसी ब्रांड की यूज कर लेती हूँ। अच्छा मस्टर्ड पेस्ट, अच्छा मैंने पहली दफ़ा ये रोसमोर का मस्टर्ड पेस्ट लिया। पहले मैं अमेरिकन गार्डन यूज़ करती थी। अच्छा अमेरिकन गार्डन ना पहले 800 का आता था, अब वो 1200 का आ गया, वैसे भी बायकॉट चल रहा है। फिर मैं ना शंग्रीला यूज़ करने लगी, लेकिन अब शंग्रीला वाला मस्टर्ड पेस्ट भी 650 का आता है, तो फिर मैंने कहा रोसमोर ट्राई करके देख लेते हैं। मुझे 180 रुपीज़ में मिला था, 200 इस तरीके से था। फिर मैंने रसमलाई ली थी एक डब्बा के, बना के देख लेंगे। एक ये रोज़ ग्रीन एसेंस लिया था मैंने, और ये वैसे केक वगैरह में यूज़ होता है खुशबू के लिए, और बाकी ये कुछ चॉकलेट्स वगैरह, चिक्की वगैरह, स्लांटीज़ वगैरह ये सब ली थी, और मैक्रोनी के पैकेट लिए थे। स्पैगेटी मैंने नहीं ली थी क्योंकि मेरे मियाँ स्पैगेटी खाते नहीं हैं, मैक्रोनी वो फिर खा लेते हैं, और फुप्पो मैं तो बहुत शौक़ से खाते हैं मैक्रोनी हो या स्पैगेटी हो, तो वो ले ली थी। और ये काली मिर्च का पाउडर, मैंने कहा कौन जाए काली मिर्च साबुत उठाए और पीसे, इतना टाइम नहीं है, पाउडर ही ले लेती हूँ। और ये कॉर्नफ्लोर था, फिर ये स्ट्रॉबेरी योगर्ट मिलैक की मैं काफ़ी सारी लाई थी, अच्छी थी। और बस यही था ग्रॉसरी शॉपिंग में, और आप लोगों को दिखा दिखा के जो है वो मैं थक गई थी, तो फिर मैं ये लेकर आई थी। मैंने टक के पहली दफ़ा ट्राई किए हैं, ये बड़े मज़े के हैं, वैसे छोटे छोटे से हैं लेकिन हैं बड़े मज़े के। अच्छा एक इस चीज़ का मैंने आपको रिव्यू देना था, बहुत ही अच्छी चीज़ है, फ़ौरन जाकर ऑर्डर कर ले, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। ऑर्गेनिक एग्स का ये अर्जेंट फेशियल है 5 in 1, मैं इसे वीक में एक दफ़ा यूज़ करती हूँ। इवन मैंने अपनी नंदों को भी ये सारे जार इसके दिए हैं, ये बड़े अच्छे हैं, आप वीक में एक दफ़ा यूज़ कर लो इसे, पूरे स्किन पे अप्लाई कर दो, 20 मिनट्स छोड़ दो, उसके बाद रब करके फेस वॉश कर दो, आपको ऐसा लगेगा आपने इंस्टेंट फेशियल करवाया है। स्किन इतनी क्लीन हो जाती है, आपके ब्लैक हेड्स निकल जाते हैं, पोर श्रिंक हो जाते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। कभी कभी इंसान पर टाइम नहीं होता, उसे अर्जेंट जाना पड़ता है, तो आप ये कर सकते हैं। अर्जेंट फेशियल है, इसके अंदर क्लिंजर, स्क्रब, मास्क सब कुछ है, इसके इंग्रीडियंट्स बहुत अच्छे हैं। मुझे 1 month हो गया इसे यूज़ करते हुए, इवन मेरी नंदों को भी बहुत अच्छा लगा था। इनका इंस्टाग्राम पे पेज है, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगी। ये फिर मैंने अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस किए थे, मैंने एक तो उनका ये शर्ट और पैंट फैक्ट्री के लिए प्रेस की थी सुबह के लिए, और बाकी कमीज सलवार जो है वो घर में पहनने के लिए प्रेस की थी। इस चक्कर में जो है मुझे शाम के 7:30 बज गए थे, और फिर मैं किचन में आई, किचन में आके मैंने सारे बर्तन धोए, और काश इतनी स्पीड के साथ बर्तन धुल भी रहे होते ना तो क्या ही बात थी। मैं वही वीडियो का टाइम देख रही कि इतने सेकंड में मैंने इतने सारे बर्तन धो लिए, ऐसा हो ही ना जाए पॉसिबल। और फिर मैंने खाना बनाया, हमारे यहाँ 8:30 बजे लाइट चली जाती है रात को, तो यहाँ पे ये एनर्जी सेवर लगा रखा है बैटरी वाला, तो उससे लाइट आती है तो काम हो ही जाता है। यहाँ पे आज मैंने खाने में बनाए थे माश की दाल, और साथ में शामी कबाब फ्राई कर लिए थे, चटनी बना ली थी, और अब बस मैं रोटियां बनाऊंगी और मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि इंसान बहुत सी चीज़ें ना वक्त के साथ सीखता है। जैसे मैं आपको अपनी एग्जांपल देती हूँ, मुझे रोटी या पराठे बनाने नहीं आते थे, वो इसलिए क्योंकि मेरे मेके में रोटी कभी घर में बनी नहीं है, हमेशा तंदूर से रोटी आती है, और पराठे भी मेरे मेके में बहुत कम खाए जाते हैं, हो भी तो अम्मी बना देती थी पापा का नाश्ता ना, हम तो बिस्किट चाय ब्रेड खा लेते थे। लेकिन मैंने रोटी और पराठा शादी के बाद सीखा, और अब हर कोई कहता मैं बहुत अच्छी रोटी बनाती हूँ। इवन कुछ दिन पहले मेरे नंदो नंदोई आए हुए थे, उन्होंने भी कहा कि रोटी तो बड़ी अच्छी है। यानी इंसान वक्त के साथ ना चीज़ें सीख जाता है। मैंने अपने आप को देखती हूँ, मुझे खाना बहुत आता है, जो लोग मुझे देखते हैं उन्हें पता है मैं कितनी रेसिपी उनको बताती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें थी जो मुझे नहीं आती थी, जिसमें रोटी थी, और वो मैंने शादी के बाद सीखी है, और ऐसे ही सीखी कि मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ, मेरे मियाँ भी कहते हैं। बस फिर हम लोगों ने खाना खाया, उसके बाद फिर मैं चाय बना लेती हूँ, क्योंकि आवर और फुप्पो का आदत है चाय पीने की, और इनके साथ फिर मैं भी पी लेती हूँ। मुझे लगता है जो वेट मेरा कम होना भी होगा ना, वो भी कम नहीं होगा, ये जो मैं बाकर खानी इतनी डबो डबो के खाती हूँ। और रात में मेरी फिर नंद आई थी, तो फिर हमने पराठा रोल मंगवा लिए थे। व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, अल्लाह हाफिज़।